नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, देश कोरोना से लड़ रहा है। अब कोरोना से लड़ाई में कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आते हैं। खून का रंग एक होता है, बीमारी कोरोना है और इसका कोई धर्म नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें भी लोग, कुछ एक लोग धर्म निकाल दे रहे हैं। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि मस्जिद में लोग छुपा कर रखे जा रहे हैं। मस्जिद में रहने वाला हर व्यक्ति कोरोना से ही पीड़ित है। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, आप समझ सकते हैं मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं क्यों इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और क्यों ऐसे मैसेजेस से परेशान हूँ। देखिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबों को पता है कि अभी हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है। मस्जिदों में जुम्मे की नमाज बंद कराई गई। देश के बड़े नौकरशाह रहे बिहार सरकार के पूर्व गृह सचिव अफजल अमानुल्लाह ने अपील की कि मुस्लिम समाज के लोग अभी जो देश के हालात हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाएं, घरों में ही नमाज पढ़ें। कल एक वाक्या जरूर आया कि पटना के कुर्जी मोहल्ले में एक मस्जिद से कई लोग मिले जिनमें कुछ एक विदेशी शामिल थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई कोरोना बीमारी ने पकड़ रखा था। लेकिन हल्ला इतना हो गया और फिर तस्वीरें इस तरीके से वायरल हुई कि जैसे मानो कोई कहर टूट पड़ा हो और इनसे ही पूरे बिहार में कोरोना फैल जाना हो। फिर उन सबों की टेस्ट कराई गई, किन्हीं के भीतर से कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला और कुर्जी की घटना के बाद से ही ये मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है यहाँ मस्जिद में छुपा कर रखे गए हैं, कोई कह रहा है वहाँ मस्जिद में छुपा कर रखे गए हैं। देखिए, हम और आप, नई जमात के लोग या जो नए लोग हैं, वे भले न गुजरे हों, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, नहीं पता हो तो अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्गों से पूछिए कि शहरों में ऐसा होता रहा है कि जब रात को या जब कभी संकट की स्थिति होती है और कहीं आपको रहने का आश्रय न मिल रहा हो तो लोग मंदिर के चबूतरे पर, मस्जिद में, मुसाफिर खाना में, धर्मशाला में, रेलवे स्टेशन की वेटिंग हॉल में या रेलवे स्टेशन के कैंपस में रात गुजारते रहे हैं। तो यह परंपरा चलती आ रही है। क्या इसका आशय यह है कि सभी लोग कोरोना से पीड़ित हो गए? क्यों आप मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं? यह बात ठीक नहीं है। देखिए, हर समाज, हाँ, आप इस बात का जरूर ख्याल रखिए और अब मस्जिद के जो मौलवी हैं वे भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि साफ सफाई मस्जिदों की भी हो। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लोग आसपास करीब सटकर न बैठें, आसपास करीब सटकर न सोएं, लेकिन मस्जिद में रहने वाले हर व्यक्ति को कोरोना हो गया या मस्जिद में कोई अजनबी दिखाई पड़ गया तो वह कोरोना का ही मरीज है, इस बात को प्रचारित मत कीजिए। इससे कोरोना की लड़ाई में सहूलियत नहीं मिलने वाली है और परेशानी बढ़ने वाली है। आप क्यों नहीं इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली बजाने की बात कही, ताली बजाने की बात कही, उनके लिए जो कोरोना से लड़ रहे हैं 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद शाम को 5 बजे, तो वो तस्वीरें भी सामने आई जब जामा मस्जिद के बाहर लोग भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर लहरा रहे थे। तो वो कौन थे? वे भी मुस्लिम थे। तो ऐसी बातें नहीं है, इस तरीके की बातें कदापि मत कीजिए। इससे लड़ाई जो है कमज़ोर पड़ जाती है और किसी को शक के निगाह से। देखिए, मैं आपसे गुजारिश तो ये करता हूँ कि यदि आपको करीब में कोई मुस्लिम भूखा दिखाई पड़ रहा है, परेशान दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी मदद कीजिए। अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। और आप देखिए ना, यदि आप बात को ठीक से समझना चाहते हैं तो देश में कई बड़ी दवा कंपनियां हैं, लेकिन कौन आगे आया? सिप्ला का नाम आपने सुना होगा। यदि आप फार्मा इंडस्ट्री को जानते हैं तो देश की बड़ी दवा कंपनी है और इसके मालिक हैं यूसुफ ख्वाजा हमीद, जो साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने सबसे पहले पहल की है और दावा किया है कि सिप्ला 6 महीने के भीतर
कोरोना की दवा भारत को उपलब्ध करा देगा और इस दिशा में सिप्ला ने काम भी शुरू कर दिया है। और सिप्ला ने यह भी आश्वस्त किया है, मतलब यूसुफ ख्वाजा हमीद ने यह भी आश्वस्त किया है कि इसके रिसर्च में या प्रोडक्शन में जो भी खर्च आएगा सिप्ला कंपनी कोई मुनाफा वसूल नहीं करेगी। तो सोचिए आप, यूसुफ ख्वाजा हमीद कौन है? ये भी तो मुस्लिम है, ये भी तो भारतीय हैं। क्या ये सोचकर यह कर रहे हैं कि जो वो दवा बनाएंगे उसका फायदा सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा? नहीं, सबों को मिलेगा। देश कोरोना से लड़ रहा है, दुनिया कोरोना से लड़ रहा है। तो इस तरीके का अफवाह, इस तरीके का प्रचार जिससे किसी धर्म को चोट पहुंचती हो, और मस्जिद में देखिए, हाँ प्रशासन भी सतर्क है, मस्जिद में लोगों से कहा गया है कि यदि बाहर से, मतलब देश के दूसरे हिस्से से जो लोग आ रहे हैं या फिर विदेश से आ रहे हैं, उनकी एक जांच हो जाए। देखिए अभी जांच की व्यवस्था भी इतनी पुख्ता नहीं हुई है, इतने किट्स अवेलेबल नहीं हैं कि सबों की जांच हो जाए जिनमें लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। जो कुर्जी वाला हादसा है जिसमें कई मुस्लिमों को मस्जिद से बाहर निकाला गया और ये हल्ला हो गया कि सभी कोरोना से पीड़ित थे, आपको हमने बताया कि निगेटिव रिपोर्ट आई, उनमें कई लोग ऐसे थे जो धर्म प्रचारक थे। धर्म प्रचारक किस धर्म में नहीं है? क्या हिंदुओं में धर्म प्रचारक नहीं है? क्या मुसलमानों के बीच धर्म प्रचारक नहीं है? क्या गुरुद्वारे में धर्म प्रचारक नहीं है? क्या ईसाई में धर्म प्रचारक नहीं है? तो इस तरीके का माहौल आपने भी कभी यदि नहीं गुजारा हो तो अपने बूढ़े बुजुर्गों से जरूर पूछिएगा, मुसाफिर खाना, धर्मशाला क्या सबों के लिए नहीं खुलता है? रेलवे स्टेशन की वेटिंग हॉल में कोई पूछता है क्या कि आप किस धर्म के हो, आप किस कौम के हो? हाँ, रेलवे स्टेशन के कैंपस में जब आप सोते हैं और जब आपको खून की ज़रूरत होती है, जब आप बीमार होते हैं या आपके परिवार का कोई बीमार होता है, तो कोई पूछता है क्या कि ये हिंदू का खून है, कि ये मुस्लिम का खून है, कि ये पंजाबी का खून है, कि ये ईसाई का खून है? तो इस तरीके की बात मत कीजिए। मैं सिप्ला की बात कर रहा था। यदि आप देखेंगे बाज़ार में सैनिटाइज़र नहीं है, और यदि सैनिटाइज़र आपको मिल रहा है, मुझे भी कई दिनों के बाद मिला, जबकि मैं कई दवा दुकानदारों को जानता हूँ, कभी स्टॉकिस्ट को जानता हूँ, तो मुझे सिप्ला कंपनी का ही, जिसके मालिक के बारे में मैंने आपको बताया कि मालिक है यूसुफ ख्वाजा हमीद, सिप्ला कंपनी का ही ऑथेंटिक। बाजार में ऐसे भी कई सैनिटाइजर आ गए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लोग मुनाफा वसूली में लगे हैं, तो ये सिप्ला कंपनी का ही सैनिटाइजर मिला। तो क्या ये यूसुफ ख्वाजा हमीद, मार्केट के लोग कह रहे हैं कि सबसे अधिक सैनिटाइजर, देखिए ये प्रोडक्ट भी मार्च का है, अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा सैनिटाइजर सिप्ला कंपनी भेज रहा है, तो क्या यूसुफ ख्वाजा हमीद केवल हिंदुओं की हाथ सफाई करा रहे हैं, केवल हिंदुओं को कोरोना से बचा रहे हैं? ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। देखिए सरकार सतर्क है, सजग है, नरेंद्र मोदी भी सबों से अपील कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदुओं से अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सबों से निवेदन कर रहे हैं। आप सोचिए, हर भारतीय उसकी पहचान सिर्फ भारतीय है, और इस लड़ाई में कोरोना को हराना है, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं हराना है कि कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा। तो सो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ऐसे प्रचार मत कीजिए। मंदिरों में भी कई लोग रह रहे हैं, मंदिर बंद किए गए हैं, लेकिन वहाँ क्या पूजा पाठ नहीं हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो क्या उन्हें कोई आश्रय नहीं देगा? यह तो सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है यदि कोई परेशान है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लंगर लगा रहे हैं भूखे प्यासे लोगों के लिए। आज भी उन्होंने निवेदन किया है कि जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है वे दिल्ली सरकार की व्यवस्था में, जहां भोजन की व्यवस्था की जा रही है, वहां चले आइए, आपको भोजन मिलेगा। इनमें दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज काम करने वाले मजदूर हैं, तो क्या वहां देखा जा रहा है ये हिंदू हैं ये मुस्लिम हैं? नीतीश कुमार ने कहा कि राशन, जिनके पास राशन कार्ड धारी है सबों को 1,000 रुपये मिलेगा, क्या देखा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम है? क्यों इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं? मत कीजिए, मस्जिदों को बदनाम मत कीजिए, मंदिरों को बदनाम मत कीजिए, कोरोना से लड़िए, अपने सतर्क रहिए, परिवार को बचाइए। और हाँ, ध्यान रखिए कि यदि आपके गाँव में, यदि आपके इर्द गिर्द कोई बाहर से आया है, विदेश से आया है, हाँ तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखिए, आइसोलेट होने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग से बचने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि किसी धर्म को आप बदनाम कीजिए। यह आपका, समाज के प्रत्येक वैसे व्यक्ति का जिनके भीतर बौद्धिक क्षमता है, जिनके भीतर नैतिक क्षमता है, उनका यह दायित्व बनता है कि वो सोशल गार्जियन बने और
कोरोना की लड़ाई में साथ दें। आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।